मंडी जिला के सुंदरनगर उपमंडल में कोरोना संक्रमण का एक पॉजिटिव मामला सामने आया है। ये जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जीवानंद चौहान ने बताया कि जिला मंडी में 74 सैंपल परीक्षण के लिए भेजे गए थे, जिनमें से 35 की रिपोर्ट आ गई है, जिसमें 34 मामले नेगेटिव जबकि एक मामला पॉजिटिव आया है। डॉक्टर चौहान ने बताया कि ये पॉजिटिव युवक मलोह क्षेत्र का है और मुंबई में रहता था। ये उन 8 युवकों में से है जो 25 मई को मुंबई से स्पेशल ट्रेन से चले थे और 26 मई को दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में उन्होंने टेम्पो ट्रेवल किराए पर ली थी और 27 मई को ये लोग सुंदरनगर पहुंचे थे। इन्हें सूर्या होटल में ठहराया गया था, जहां से अलग अलग ये रह रहे थे। उन्होंने बताया कि 6-7 दिन जब इन लोगों के सैंपल लिए गए तो उनमें एक युवक पॉजिटिव आया था। उसके बाद 3 जून को और सैंपल लिए गए थे, जिसमें 2 युवक पॉजिटिव आए थे। उसमें अन्य युवकों के सैंपल भी लिए गए थे। उस दौरान ये 5 युवक नेगेटिव आए थे और इन्हें सूर्या होटल से पॉल टेक्निकल कॉलेज सुंदरनगर क्वारंटीन केंद्र में शिफ्ट किया गया था। पॉजिटिव आया युवक सुंदरनगर में संस्थागत क्वारंटीन केंद्र में रह रहा था और क्वारंटीन केंद्र में आज इसका 14वां दिन था, परंतु इसका सैंपल पॉजिटिव आया। इस युवक में बीमारी के कोई लक्षण नहीं है, परंतु ये पॉजिटिव आया है, इसलिए इसे डांग सिदार में बनाए गए डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट किया गया, जहाँ पर चिकित्सकों की टीम युवक के स्वास्थ्य में सुधार के लिए उपलब्ध है। हमारे पास जिला मंडी में आज हमने 74 सैंपल टेस्ट के लिए भेजे थे, उसमें से 35 की रिपोर्ट आ गई है और उसमें 34 केस नेगेटिव है, एक केस पॉजिटिव आया है। जो एक व्यक्ति पॉजिटिव आया है वो विलेज मलोह तहसील सुंदरनगर का रहने वाला बताया जाता है। इसका ऐसा है कि ये बॉम्बे में रहता था और ये अपने साथियों के साथ 25 तारीख को बॉम्बे से दिल्ली आया था, 26 को ये दिल्ली पहुंचा, 26 को इन्होंने दिल्ली से एक टेम्पो ट्रैवल किया और ये 8 लोग उसमें आए और 27 को सुंदरनगर पहुंचे। सुंदरनगर में इनको एक सूर्य होटल में ठहराया था। इसके साथ हमने इनका जब 6-7 दिन सैंपल लिया तो इनमें से पहले एक आदमी का पॉजिटिव आया था 1 तारीख को, उसके बाद 3 तारीख को हमने और सैंपल लिए तो दो लड़के इसमें और पॉजिटिव आए थे। इनका सैंपल भी लेके गया था लेकिन ये उस टाइम नेगेटिव थे, वहाँ से भी इनको शिफ्ट कर दिया था गर्ल्स पॉलिटेक्निक हॉस्टल सुंदरनगर में, वहाँ इनको क्वारंटाइन किया था, इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन किया हुआ था। तो इसका वहाँ कल सैंपल लिया गया, इन दोबारा गए, इनके आज 14 दिन यहाँ टोटल हो रहे थे, सभी का सैंपल लिया गया। जो लेफ्ट आउट 5 लोग थे उनमें से एक व्यक्ति का फिर से पॉजिटिव आया है और उसमें सिम्टम कोई नहीं है, बंदा बीमारी के कोई लक्षण नहीं है, इसमें सिर्फ पॉजिटिव है, इसलिए हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं। हमारा जो छिपनू में कोविड केयर सेंटर है वहाँ गाड़ी भेज के अभी ये शिफ्ट हो गया और कोविड केयर सेंटर छिपनू पहुँचने वाला है, वहाँ हमारी मेडिकल टीम जो है इनकी देख रेख के लिए लगी हुई है। बाकी लोग वहाँ 7 लोग ऑलरेडी दाखिल हैं तो उनके साथ इसको रखा जाएगा और इसे केयर